Hi my beautiful people, assalamu alaikum, this is me Priya Kashif Khan, welcome back to my YouTube channel. आई होप आप सब खैरियत से होंगे. भाई मैं तो खैरियत से बिल्कुल भी नहीं हूँ. बहुत शदीद फ्लू हो रहा है मुझे, मैं बता नहीं सकती. पता नहीं कैसे हो गया, क्यों हो गया, लेकिन हो गया. आई नो कोल्ड ड्रिंक की वजह से ही हुआ है, बट मसला ये है कि हमेशा ही ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ, लेकिन पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं, बट इस बार हो गया. कोई बात नहीं, हो गया, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह. आज फिलहाल मैंने सोचा था कोई मेकअप बनाऊंगी, कोई यू नो अच्छा सा चैलेंज वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेकअप का मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि इन सूजी हुई आंखों में मेकअप अच्छा लगता नहीं. तो इसलिए फिर अचानक से मैं सो रही थी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही थी, तो मामा ने आके मुझे उठाया है, अभी बिल्कुल उठाया है कि चलो अब तबीयत अजीब सी हो रही है, चलो बाहर चलते हैं, मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी सी आउटिंग करूँगी तो ठीक हो जाओगी. फिर आज प्लान बनाया बाहर जाने का, तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना अपने फैंस से भी ये बात शेयर की जाए, अपने फैंस को भी साथ में लेके जाया जाए, क्योंकि जहाँ रबीया काशिफ खान जाती है उनके फैंस तो उनके साथ हमेशा 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 जाते हैं. तो आज भी आप सब मेरे साथ चलोगे तो फुल व्लॉग देखना है. प्लीज रिमेम्बर मी इन योर प्रेयर्स. इंशाल्लाह बहुत जल्द फ्लू ठीक हो जाएगा. चलते हैं, तैयार तो मैं बिल्कुल हूँ आप सबके सामने. ड्रेस भी मैंने चेंज कर लिया है, तो लेट्स गो. मम्मा और मुझे लोगों को बहुत शदीद फ्लू हो रहा है, और ये शायद मे भी हमें शायद नज़र लग गई, या फिर मैं क्या कहते हैं, हाँ हमने गलती की, वो गलती ये कि हमने पेप्सी पी और उसमें बर्फ़ डाल दी. मतलब सोने पर सुहागम ऑलरेडी ठंडी थी, लेकिन और बर्फ़ डाल दी, क्योंकि आपको पता है हल्की ठंडी अलग से उतरती नहीं, तो उसके ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने की वजह से हमारा ये हाल है. मम्मा बिल्कुल स्टैचू की तरह बैठे हैं. इसलिए हमारा बाहर आ जाओ, तो हम तैयार शहर के बाहर आ गए. बाबा ने कहा कि सूखी है ताकि हमारा फ्लू ठीक हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ स्पेशली सूखी में आए हैं. मैंने वैसे ही खाना तो खाने ही है, लेकिन सूप इसलिए पीना क्योंकि नज़ला बहुत 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 गंदा हो रहा है. इंस्टाग्राम देख रहा था तुम आज हमारे साथ, कैसे आ गए? मैंने कहा चलो चले आते हैं, टाइम हो गया, गई नहीं. क्या बोल रहे हो? इतना टाइम हो गया कहीं गई नहीं, चलो बाहर चले जाते. हमारे भाइयों के मिसाल आप लोग देते हो. ये है हमारा भोला भाई, और ना इसकी नेचर ऐसी है कि ये कुछ भी बोल देता है, लेकिन फिर उसको बाद में पछतावा होता है ना. और ये भाई वो अपनी दुनिया में मगन, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं. उनकी कॉल चल रही होती है, उनका फेवरेट है, जूते भी नियॉन, तो शर्ट भी नियॉन, तो मोबाइल भी नियॉन बन के आए. हाँ भाई, जूते भी नियॉन पहन के आया है. वो कान ही खाता रहता है, खाता बोलता रहता है, कान खाता रहता है और रील्स बनाता रहता है, उल्टी सीधी रील्स बताता रहता है, सुनाता रहता है, भेजता रहता है, देखता भी नहीं लिप सिंक आउट है या सही है डाल. और जब से हमने अपलोडिंग सिखाई ना, ये इतना एक्टिव है, इतना एक्टिव आपको बना नहीं सकती. ऊपर से इसने मैंने क्या हरकत की, मैं सो रही हूँ, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम, चलो देखती हूँ क्या मैसेजेस कर रहा है. कह रहे हैं सो जाओ पापा की परी, सुबह उठ के झाड़ू पोछा भी कर रहा है. वो पापा की परी है, झाड़ू कभी हाथ नहीं लगाती. मैं कभी झाड़ू को हाथ नहीं लगाती, बताएं. हर संडे लगाती है जी, जब आपकी बहन फिट हाथ लगाती. हाँ ओके, हाउ आई स्पेंड माई संडे, ये मैं ब्लॉग बनाऊंगी, हाउ आई स्पेंड माई संडे एट होम. तो वो पूरा मैं आप लोग बताऊंगी. मैं अपने घर में काम करती हूँ, लोगों को पता नहीं क्यों यकीन नहीं आता कि मैं काम नहीं करती. भाई करती है आपकी बहन. खैर एनी वे, खाना बाबा जो है वो ऑर्डर करें, जैसे खाना आता है फिर हम कंटिन्यू करेंगे. आई होप आप लोगों की आवाज़ आ रही है. आ चुका है गाइस फाइनली, गले को सुकून मिल रहा है. कुरान साहब स्पॉटेड. आप किस खुशी में सूप पी रहे हैं? इसने बोला कि सब पी रहे, तो मैं क्यों ना पीऊं, तो फिर बोला मैंने पी रहा. जोर से बोले यहाँ पे आप, जरा शोर बहुत है, तो जरा मेहरबानी करके हम वॉल्यूम बढ़ा लें. मैं बोल रहा था कि ये सुपर टेस्ट है ना, वो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा. बस हमेशा यही बोलता है. ये जो सूप हम पीते थे ना, मेरा इंडिया की याद है, हमने इंडिया में लास्ट टाइम पिया था ये सूप, बड़े मज़े का सूप था, वही टेस्ट है इसका. आई होप आप लोगों का आवाज़ आई होगी.
एक्चुअली जब हम इंडिया गए थे मुंबई, तो वहाँ पे हम इस तरह का सूप पीते थे और यही वाला फ्लेवर होता है और इसी कलर का होता है। हम जब भी वाला सूप पीते हैं वो याद आता है। हमारा खाना आ चुका है गाइस, मुझे लगता है जब तक इसकी स्नैक्स बनेंगे तब तक खाना ठंडा हो जाएगा। बस कर दो भैया बस, मेरा नहीं है, अल्लाह करे अच्छी बने ही ना। बहुत ही प्यारी सी फैन मिलने आई है और कह रही है कि मुझे स्पेशली आपके ब्लॉग में आना है। क्यों आया आपको ब्लॉग? मुझे आप अच्छी, आपको अच्छी लगती हूँ, आपको शौक था ब्लॉग में आने का, अब खुशी हो गई। थैंक यू शादी। सीन कुछ ऐसा है कि खाना वगैरह हमने खा लिया था, उसके बाद हम लोग आए हैं आइसक्रीम खाने अपने फेवरेट स्पॉट पर जो कि है जद्दा आइसक्रीम। बचपन से लेके अब तक हम लोग यहीं की आइसक्रीम खाते हैं, हमें इतनी पसंद है कि बस जब भी होता है हम लोग यहीं आते हैं। इनको भी चस्के लगे खरीद लेते हैं। फ्लू जो है वो बहुत गंदा हो रहा है और मुझे नहीं खाना था, लेकिन मम्मा ने मुझे जबरदस्ती बोला कि तुम खाओगी तो मैं खा लूंगी, वरना मुझे भी नहीं मिलेगी क्योंकि मुझे भी फ्लू हो रहा था। मैंने यार चलो खा लेते, अल्लाह मालिक है, खा लो, कोई बात नहीं, क्या पता सही हो जाए फ्लू। सबसे पहले मुझे स्टार्ट होता है फ्लू, मैंने सबको लगा, इसकी वजह से फ्लू लगा है मुझे। ये मेरा फालूदा आ गया है, ओ माय गॉड। पहले मैं आइसक्रीम खाती थी लेकिन अब मुझे आइसक्रीम पसंद है तो मैं फालूदा खाती हूँ। अन्नू तुमने इसको खिलानी है, बाबू साफ कर। आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद हम लोग आए थे सी व्यू। माय गॉड मेरी आंखें भी नहीं खुल रही है। एनीवे सी व्यू इसलिए आए हैं बिकॉज अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी, तो हमने बोला यहाँ बारिश हो रही है जल्दी से पहुंच जाते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक हम पहुंचे बारिश खत्म हो चुकी है। बट वेदर बहुत अच्छा है तो इसलिए थोड़ा सा ना सुकून का सांस लेने और एक मी टाइम लेने मैं आई हूँ, तो चलते हैं बाहर। माय गॉड वैसे की हवा चल रही है, मुझे लगता है सामान मेरा फ्रेश क्रिसमस सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा। लाइट्स ऑफ हो चुकी है बिकॉज ज़्यादा देर हो गई, मैंने 2 बजे तक लाइट्स ऑन होती है, 3 बजे यार मेरे पास सीवियो है, मतलब यहाँ पर भी मज़ा आता है। मैं तो पता नहीं इतने टाइम बाद आती हूँ, शुरू में भी मैं बच्चों में भी कभी नहीं आई इतना ज़्यादा, अभी भी हम कम कम ही आते, लेकिन गुस्सा कर रही है कि मैं शूज़ क्यों नहीं पहन के आई। और यही सीन मेरे साथ मंडी में भी हुआ था। ओ माय गॉड मैं डिसबैलेंस हुई हूँ। यही सीन मेरे साथ मंडी में भी हुआ था कि मैं अबाया पहन के चली गई, ऊपर से उस पर मैंने हील पहन ली, मंडी की सारी गंदी मंडी मेरे पैरों में थी। लो डरा दिया, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने ये पहनी हुई थी थोड़ी सी ऊँची ना, इसलिए मैं पहन के आ गई। अरे अल्लाह मेरे पैर गंदे हो जाएंगे, भैया को अपनी चप्पल की पड़ी है। लो भाई यहाँ पहन के पैर गंदे हो रहे हैं, भैया को अपनी चप्पल की पड़ी है। अंधेरा। 2000 years later. तो आई एम बैक होम गाइस, आज का दिन इसी तरह से गुजर गया, व्लॉग था छोटा सा और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरी एनर्जी लो है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर देना। दूसरा ये कि आज मेरा तबीयत ख़राब की वजह से योगा जो है वो छूट चुका है, आज मैं योगा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। वो व्लॉग वगैरह तो ऑफकोर्स आप लोगों को मिलते रहेंगे, तो इस वाले व्लॉग को इसी में ही एडजस्ट कर लेना और लाइक कमेंट शेयर में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय।